19 साल बाद ऑस्कर नामांकन मिलने पर ये बोले टॉम हैंक्स। जबरदस्त कामयाब फिल्मों फिलाडेल्फिया और फॉरेस्ट गम के लिए दो ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर चुके टॉम हैंक्स इस बार 19 साल बाद ऑस्कर के लिए नामांकित हुए हैं। टॉम को ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के तौर पर नामांकित किया गया है। अपने नामांकन पर टॉम कहते हैं, मुझे एंथनी हॉपकिंस, जो पेस्की, अल पचीनो और ब्रैड पिट जैसे अभिनेताओं के साथ शामिल कर सम्मानित किया गया है। यह मेरे लिए एक भव्य रात होने वाली है। टॉम ने दो बार ऑस्कर की ट्रॉफी अपने नाम की है, हालांकि वे साल 2001 के बाद से कभी नामांकित ही नहीं हुए। पिछली बार वे कास्ट अवे 2001, सेविंग प्राइवेट रयान 1999 और बिग 1989 के लिए नामांकित हुए थे। टॉम हैंक्स ने 1994 और 1995 में लगातार फिलाडेल्फिया और फॉरेस्ट गंप के लिए ऑस्कर जीता था। गौरतलब है कि इसी फॉरेस्ट गंप पर आधारित फिल्म हिंदी सिनेमा जगत में लाल सिंह चड्ढा बन रही है। फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर मुख्य किरदार निभा रहे हैं। टॉम कहते हैं, ऑस्कर के लिए नामांकित होना पहले की तरह ही अद्भुत क्षण है और इसके प्रति प्यार कभी पुराना नहीं होता है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को टॉम हैंक्स ने 19 साल बाद डॉलर ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 92वें वार्षिक एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड्स 9 फरवरी को रविवार को लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। इनका सीधा प्रसारण दिखाने की कई चैनलों और वेब पोर्टलों ने व्यवस्था की है।